नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा नगर निगम में स्ट्रीट लाइट ठीक करने के लिए रखे गए बिजली कर्मचारियों को निकाले जाने के रोष स्वरूप नगर निगम कार्यालय करनाल में रोष प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार अपने चहेतों को नौकरी देकर पुराने कर्मचारियों को निकाल रहा है। वहीं नगर निगम कर्मचारी संघ के प्रवक्ता बिडला ने बताया कि यहां पिछले 15 से 20 साल तक अपनी सेवाएं विभाग में दे चुके हैं और ठेकेदार इनको नौकरी से निकालने जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि यह कर्मचारी खंभों पर चढ़कर खतरनाक कार्य करते हैं और 15 से 20 साल तक विभाग में सेवाएं दे चुके हैं, उसके बाद भी ठेकेदार इनको निकाल रहा है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ठेकेदार पुराने कर्मचारियों को निकाल कर नए कर्मचारी रख रहा है और ना ही उनका पीएफ व अन्य सुविधाएं देने की बात कर रहा है, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष है। उन्होंने कहा कि अगर नगर निगम प्रशासन उनकी बात नहीं मानता है तो संघर्ष और भी तेज किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों द्वारा नारेबाजी भी की गई। इस दौरान कर्मचारियों ने चेताते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी कर अपना रोष जाहिर किया। कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार अपने चहेतों को नौकरी देकर पुराने कर्मचारियों को निकाल रहा है, जिससे कर्मचारियों में रोष है। आज ये नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है, ये जो लाइट के जो कर्मचारी हैं ये 15-16 साल से निगम के अंदर लाइट का काम करते हैं। बड़ा खतरनाक काम है, बड़ा रिस्की काम है। ये खंभों पर चढ़ते हैं, इनके लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई इनका कोई बीमा नहीं है, कोई इनका ईपीएफ नहीं है, कोई इनका ईएसआई सुविधा नहीं है। और कोई ठेकेदार आया है, कोई नया ठेकेदार आया, वो ये 20 कर्मचारी हैं, वो कहता है कि 10 रखूँगा और 10 कर्मचारी रखूँगा अपने, कोई डीसी रेट नहीं दूंगा, 10,000 रुपये तनख्वाह दूंगा, कोई पीएफ नहीं दूंगा, कोई ईएसआई नहीं दूंगा। हमारा कहने का तात्पर्य ये है भाई, ये टोटल के टोटल कर्मचारी रखे जाएं, इनको डीसी रेट दिया जाए, इनका ईपीएफ ईएसआई सुविधा हो और तरीके से हर तरीके की इनकी सुविधा हो, इनका बीमा भी हो। तो वो ठेकेदार किसी भी तरीके की बात ना मान करके वो अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है। हम उसको चेतावनी देते हैं, हम शहर में काम नहीं होने देंगे जब तक ये हमारे 20 के 20 तमाम कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे। आप इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार के खिलाफ भी करते रहेंगे, निगम प्रशासन के खिलाफ करते रहेंगे, ठेकेदार के खिलाफ करते रहेंगे। अब एक तरफ तो सरकार कहती है भाई ठेकेदार बदला जाए, कर्मचारी ना बदला जाए, तो कहीं ना कहीं है सरकार के आदेश से कोई पालना के ये धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। चीफ सेक्रेटरी का जो ये फैसला है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं निगम प्रशासन भी शामिल है और ठेकेदार भी शामिल है, ये सारा का सारा मिली भगत है। तो इसका हम विरोध करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अगर ये समय पर इसका ये कर्मचारी नहीं लगाए गए या डीसी रेट नहीं दिया गया, ईपीएफ ईएसआई का कोई हल नहीं हुआ, तो इसी तरीके से हम ये आंदोलन करते रहेंगे और ये आंदोलन एक नया रूप लेगा। इसको अगर हमने कोई शहर का काम बंद करना पड़े तो शहर का काम भी बंद करेंगे और इसकी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी। मनमर्जी की जा रही है ये, बिल्कुल मनमर्जी करी जा रही है। जब सरकार के लेटर को भी नहीं मानते, सरकार के आदेशों की पालना नहीं करते, जो सरकार कहती है भाई कर्मचारी नहीं बदलेगा, ठेकेदार बदला जाए, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कितने समय से ये काम कर रहे हैं? ये 15-16 साल से काम कर रहे हैं जी, और इनके लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई इनका स्कॉटिंग नहीं है, कोई इनका ईपीएफ ईएसआई नहीं है। क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? लाइट का ये जो शहर के अंदर जो कमेटी के द्वारा निगम के द्वारा जो लाइट है, स्ट्रीट लाइट जो जिसको कहा जाता है, ठेकेदार का टेंडर कब से है? ये ठेकेदार का टेंडर अभी हुआ, पिछले महीने 20-25 दिनों से। तो ये संदीप ठेकेदार है, इसार का रहने वाला ये आदमी है और हमने इससे कई बार मीटिंग कर ली, अपने डिप्टी मेयर अग्गी ने भी मीटिंग की और ये उसमें सीएम साहब की कोठी पे भी ज्ञापन दे करके आए, कमिश्नर साहब से भी मिलिए, इसका कोई हल नहीं हुआ। कारण क्या लग रहा है, मतलब इकट्ठे के इकट्ठे 20 जो कर्मचारी थे सभी के? कारण तो ये है सीधा, उसका ये है कि कर्मचारियों का शोषण करेंगे, कि 20 में से 10 कर्मचारी रखना चाहता है, 10 कर्मचारी को हटाना चाहता है, 10 कर्मचारी को अपने रखना चाहता है।
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।